हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 5, क्या आपको इसका आंसर पता है? चलो इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम 2 इनटू 5 करेंगे। 2 इनटू 5 इज इक्वल टू 10, तो ये बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 10। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 का आंसर है 2, तो इसका आंसर आया 2। क्रॉस चेक के लिए हम इसे और एक बार सॉल्व करेंगे। पहले अब हम 20 डिवाइडेड बाय 2 को सॉल्व करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10, तो ये बनेगा 10 इंटू 5 और इसका आंसर आएगा 50। अरे ये क्या हुआ, पहले बार हमने जब इसे सॉल्व किया तो आंसर आया 2 और दूसरी बार आया 50, तो इसका आंसर क्या है, 2 या फिर 50? इसका करेक्ट आंसर जानने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मतलब मैथ्स के ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन पता होना बहुत जरूरी है। चलो हम उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम 4 बेसिक ऑपरेशंस का ऑर्डर देखेंगे। फर्स्ट है ब्रैकेट, यानी कि अगर इक्वेशन में ब्रैकेट आए तो आपको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। उसके बाद है एक्सपोनेंट। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ऑर्डर बन गया ब्रैकेट, उसके बाद एक्सपोनेंट। चलो हम एक एक्सपोनेंट का एग्जांपल देख लेते हैं। 3 स्क्वायर इंटू 4, 3 स्क्वायर यानी एक्सपोनेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें देखना है कि इक्वेशन में ब्रैकेट है क्या। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो हम सेकंड पे मूव होंगे, वो है एक्सपोनेंट। तो यहाँ हम पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, जो है 3 स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 9। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। फ्रेंड्स, ये हमने एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल देख लिया। अब हम ब्रैकेट और एक्सपोनेंट दोनों का मिलाकर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन ब्रैकेट 5 प्लस 6 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू 4 रेज टू 2, यानी कि 4 स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, हमने देखा है कि पहले हम इक्वेशन में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो है 5 प्लस 6। फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करो, ब्रैकेट को सॉल्व करना यानी ब्रैकेट के अंदर जो है उसे सॉल्व करना। तो यहाँ हम पहले 5 प्लस 6 को सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा 11 इंटू 4 स्क्वायर। अब हम एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, जो है 4 स्क्वायर, तो ये बनेगा 11 इंटू 16। फ्रेंड्स, हमने यहाँ देखा कि इक्वेशन में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स, हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन ब्रैकेट 4 स्क्वायर इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 5। क्या फ्रेंड्स, आप बता सकोगे कि इसका आंसर आप कैसे सॉल्व करोगे? हमने देखा है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पहले क्या करोगे? फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ब्रैकेट को सॉल्व करना यानी ब्रैकेट के अंदर जो है उसे सॉल्व करना। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 4 स्क्वायर इंटू 2 है, तो जब हम 4 स्क्वायर इंटू 2 को सॉल्व करेंगे तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और 4 स्क्वायर इंटू 2 को सॉल्व करते समय हमें पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, जो है 4 स्क्वायर, तो ये बनेगा 16 इंटू 2 प्लस 5। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताता हूँ, 4 स्क्वायर को आप जब भी सॉल्व करोगे तब सिर्फ एक्सपोनेंट को सॉल्व नहीं कर रहे, तब आप ब्रैकेट को भी सॉल्व कर रहे हो, तो इसका अगला स्टेप बनेगा 16 इंटू 2, तो 32 प्लस 5। चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारी थर्ड ऑर्डर है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान में रखो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ऑर्डर सेम है। उसके बाद आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ऑर्डर सेम है। जब भी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा, तब आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पहले सॉल्व करना है। इस पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। 4 प्लस 3 इंटू 5, यहाँ हमने देखा है कि पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ हम पहले 3 इंटू 5 को सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा 4 प्लस 15 और इसका आंसर आएगा 19। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 4 ऑर्डर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जब भी आप कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको ये 4 ऑर्डर्स ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट में है ब्रैकेट, सेकेंड है एक्सपोनेंट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ध्यान में रखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ऑर्डर सेम है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी ऑर्डर सेम है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पहले सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, अब हम हमारे पहले इक्वेशन पे जाते हैं, वो है 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। अब आप
इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो क्या, 2 या फिर 50? फ्रेंड्स ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है जिसका ऑर्डर सेम है। तो फ्रेंड्स ध्यान में रखो, जब भी इक्वेशन में सेम ऑर्डर के ऑपरेशंस आएंगे तब आपको उन्हें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। फ्रेंड्स आपको इस ऑर्डर के साथ और एक नोट ध्यान में रखनी है, वो है जब इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ आएंगे तब आपको उन्हें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, और जब इक्वेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ आएंगे तब आप उन्हें भी लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करेंगे। तो आप ये ऑर्डर इस तरह से लिख सकते हो। अब हम हमारे इक्वेशन का करेक्ट आंसर फाइंड करते हैं। पहली बार हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था तब हमने इसे राइट टू लेफ्ट सॉल्व किया था, और सेकेंड में हमने लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया था, जो कि सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहली बार हमने गलत ऑर्डर में इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो पहला आंसर जो कि 2 है वो गलत है, और सेकेंड में हमने लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया था जो कि सही ऑर्डर है, तो हमारा आंसर भी सही होगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का सही आंसर है 50। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंसेप्ट समझ में आई है। प्लीज़ फ्रेंड इसे ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ऐसे ही मैथ्स रिलेटेड कंसेप्ट को जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।